भगवान का नामकरण गौशाला के अंदर हुआ गर्गाचार्य जी के द्वारा। संसार में लोगों की ऐसी दृष्टि होती है कि संत यदि चमत्कारी है तो लगता है कि संत है, और यदि चमत्कारी नहीं है तो लोग ऐसे कहते हैं, अरे वैसे रोटी राम बाबा हैं। ये नापने का सांचा एकदम गलत है। चमत्कार तो जादूगर करता है, साधु नहीं। साधु तो ऐसा चमत्कार करता है, साधु तो ऐसी चीज दिखाता है, ऐसी चीज दिखाने की कोशिश करता है जिसे देखने के बाद फिर ये कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता। और ये छोटे छोटे चमत्कार, इनसे तो साधु दूर रखना भी चाहता है और दूर रहना भी चाहता है। यद्यपि कभी कभी महापुरुष की जिंदगी में भी चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन वो चाहता नहीं है। लेकिन केवल इसी आधार पर हम तुलना करें कि कोई चमत्कार है तो साधु है ना, साधना का चमत्कार से कोई लेना देना ही नहीं है। हां, तांत्रिक हो सकता है, जादूगर हो सकता है, अथवा कोई हाथ की सफाई करके कुछ दिखाने वाला हो सकता है। साधु तो वो है जो जगा दे। जो हम सो रहे हैं ना, यानि सा सर्वभूतानां, गीता जी, तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सानिसा पश्यतो मुने। यानिसा सर्वभूतानाम, संसार के लोगों के लिए जो रात्रि है, संसार के लोगों को जिससे कोई लेना देना नहीं है, उधर साधु जागृत रहता है। और जिसमें संसारी लोग दिनों रात लगे हैं, उधर की तरफ से संत सो जाता है, आंख बंद कर लेता है, कछु लेना न देना, मगन रहना। वो खुद भी जागता है और अपने संपर्क में आ गया तो जगा भी देता है। वो केवल जगाता है, जागृत करता है। गर्गाचार्य जी आए
तो अभी दोनों भाइयों के नाम नहीं रखे गए थे, न कृष्ण का न बलराम का। थोड़े बड़े बड़े हो गए, गुटमुन गुटमुन भी चलने लगे हैं, खड़े भी होने लगे हैं, लेकिन नाम नहीं रखा गया। तो क्या कहती थी फिर यशोदा मैया और रोहिणी, नाम नहीं रखा गया? तो बड़े लला छोटे लला, बड़े लला छोटे लला। आज गर्गाचार्य जी के पास में दोनों गुप्त रूपेण नाम रखा जा रहा है। उस समय भी कोरोना था, क्या कोरोना था, कोई खुलकर के महोत्सव नहीं मना सकते थे नंदगांव में, गोकुल में। क्यों? महोत्सव मनाएंगे तो बताना पड़ेगा महोत्सव काय उपलक्ष्य में बनाए कि इस बच्चे का जन्मदिन है, ये बच्चा यदि अभी जन्मा है और कंस को पता लग गया तो महोत्सव की जगह कुछ और हो जाएगा। इसलिए उस समय भी कोरोना था, उस कोरोना का नाम अलग था, क्या था? कंस। राशि एक ही है, कंस और कोरोना। तो ज्यादा भीड़ ना आए, बात फैले ना, इसलिए गुप्त रूपेण गौशाला के अंदर गर्गाचार्य जी को बुलाया, गाय के गोबर से लीपा, गाय के गोबर से लिपाई की और वहां गुरुदेव को बैठाया। ए माइक, माइक जरा हमारी परिचितानी को दे, जरा एक पंक्ति सुनाएगी वो हमें, आज सुबह सुना रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि गुरुजी आएंगे तो गोबर से लीपूंगी, ऐसा कुछ भाव था। हाँ सुनाओ। गाय के गोबर से लीपूंगी जब गुरुजी आएंगे तो, ये नहीं कह रही थी कि मार्बल बिछवाऊंगी। सचमुच में गुरु तो तभी प्रसन्न होता है, सफाई अलग चीज है और शुद्धता अलग चीज है। शुद्धता तो गौ माता के गोबर से लिपाई में ही आती है। बस वही दो लाइन सुनानी है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। कोने ही कोने सजाऊंगी जब सतगुरु आएंगे, ही कोने सजाऊंगी जब सतगुरु। ए आदमियों ने कछु सीखो, जिनते कितनी एकता है, सब लग गई पीछे, सब संग दे रही हो तुम अवगा। गौआ के गोबरे द्वारे लिपाऊंगी, गौआ गी मोतिया ने चौके सजाऊंगी जब सतगुरु आएंगे। कौने ही कौने सजाएंगे जब सतगुरु आएंगे, गे सोने के कलश द्वारे रखाएंगे, गे घी के दीपक जलाएंगे जब सतगुरु आएंगे, कौने ही कौने सजाएंगे जब सतगुरु आएंगे। बस बस जब सतगुरु आएंगे।
एक बात नहीं मोए सुहानी, सोने के कलशम पाई ठंडो नहीं होगा। हम कहूं मई में आए और सोने के कलश में पाई मिल गया, तो इसमें ये लाइन जोड़ना, भारत की मिट्टी के कलश भराएंगे जब सदगुरु जी आएंगे। हिंदुस्तान की मिट्टी है? मुझे सबसे प्यारी इनाम लगी कि गाय के गोबर से लिपाएंगे। तो यशोदा और रोहिणी ने गौशाला में गाय के गोबर से लिपाई की, और गाय के गोबर से जब लिपाई की और वहां गर्गाचार्य जी आकर के अपना हवन पूजा पाठ जो भी करना था किया, फिर दोनों माताएं अपनी अपनी गोद में बच्चे को लेकर चली तो बीच में बतराने लगी, ए जीजी। बोले हाँ, रोहिणी कह रही है यशोदा से, बोले ये बाबा नाम धरबे तो आए हैं पर पतो ना है जानकार हैं कछु होशियार हैं के बैसेंगे रोटी राम। बोली पतो मऊ बनाए, तो बोले कैसे जानकारी हो? बोले एक काम करें परीक्षा ले लें। बोले कैसे परीक्षा लेंगे? बोले ऐसो कर, तू मे लाला ले ले अपनी गोद में और मैं तेरे लाला ले ले, तू जानते होंगे तो बता देंगे और नहीं जानते होंगे तो रोटी राम हो। फिर जिनके धरे वही नाम है नहीं, फिर तो हम अपनो नाम धरेंगे। वैसे एक बात बताऊं, चाहे गुरु होशियार हो चाहे रोटी राम हो, और बेनाम जब धर देते हैं तब लोग बार नाम धरतत हो रही है, बिना अलगते कछु न कछु नाम धरनो ही है। गुरु जी नाम धर गए धर्मवीर, और हमने कहा तो धर्रो, गुरु जी ने धरो धर्मवीर, हमने कह दई धर्रो है, हम तो उसको बिगाड़ते ही है। तो दोनों यानी अपने बच्चों को अलट पलट करके गोद में गई और बैठ गई। गर्गाचार्य जी बड़े सिद्ध संत रहे, त्रिकालदर्शी महापुरुष, उन्होंने आंख बंद की और यशोदा की गोद में जो बालक था उसने कहा कि ये बालक इस गोद में कैसे है, मन ही मन सोचने लगे। तो और ध्यान लगाया तो समझ गए, अरे जीव का स्वभाव है संतों की परीक्षा करना, और उसमें भी फिर नारी है, नारी तो पग पग पे